तो आइए सत्संग से लाभ उठाए जिससे हमारा व्यवहार का व्यवहार बने, हमारी भावना सद्भावना बने, हमारे विचार सद्विचार बने, हमारा हृदय सदृदय बने और सत्संग संत संग गुरु संग साधु संग सभी एक साथ हमें उपलब्ध हो गए। सत्य की खोज की यात्रा का आज दूसरा दिन है। जब मैं यात्रा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हम आत्मशक्ति बात कर कोल्हू के बैल की तरह चलते तो रहते हैं, केवल माइलेज कवर। ऐसा लगता है कि इस माइलेज को अगर कवर इतना कर भी लेंगे तो कुछ उन्नति नहीं होने वाली है। उसको एक दिशा लेनी पड़ेगी और एक सही दिशा देकर हम सीधे कैलाश पहुँच कर शंकर बाबा और माँ पार्वती और के रूप में नियोगी को करते हैं, केवल माइलेज की कमर न। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये सत्र प्रारंभ करेगा। प्रश्न आज मन के संबंध में प्रारंभ करूंगी क्योंकि चाहते तो सभी है कि कैलाश सीधे पहुँच जाए, लेकिन मन बहुत प्रयास करता है। कभी मन की बात आदरणीय सरदार मोदी से बात करती थी कि हमारा मूड नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, छोटे छोटे बच्चे भी मन नहीं कर रहा है कह देते हैं, मूड नहीं है कह देते हैं, बात बात में चटपटे ठीक करने लगते हैं। तो ये मन जो हमारी यात्रा के बीच में गड़बड़ करता रहता है, उस मन के संबंध में आज महाराजी से प्रश्न करना है। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कर, ऋषि कहते हैं तन्मी मन शिव संकल्प नस्तु। प्रचलित ही है मन के हारे हार है मन की जीते जी। बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन को माना गया। तो महाराजी कृपा करके बताए कि मन क्या है, उसे संयमित करने के कारण क्या है जिससे मन उपराम हो जाए। और उपराम का अर्थ महाराजी की किताब में मैंने पढ़ा, जो राम के पास बैठ जाए वो उपराम। तो मन के संबंध में इन दर्शन का क्रिया दूसरा है। शिक्षा सर्वाणाम जटिल जन मन का सर्वात्मदृष्टि ब्रह्मात्मदितमस्तमा श्रीपूर्णानंदतीर्थोजगतिर्थतसीकुसुमोपमेयकामूलकदमूलवर्ती नवगोपगधूविलासशाली वनमाली। मन एक निराकार तत्व है स्वयं मन, उसमें न कोई अपनी सकल सूरत है, न लंबाई चौड़ाई है, न मन की उम्र है और न मन में वजन। ये जिस चीज के साथ मिला दिया जाता है उसी की सकल पकड़ लेता है। कुछ पिछले संस्कार होते हैं, कुछ दूर की भविष्य की दूसरे की कल्पनाएं होती हैं और कुछ हम वर्तमान में पकड़ लेते हैं। मन को इतना जो हम लोग महत्व दे देते हैं उसी से वो हमारे ऊपर काबू कर लेता है। अभी तक मन नाम की कोई चीज ना साइंस से विज्ञान से यांत्रिकता से पकड़ में आई है और न तो किसी को तत्व ज्ञान से मन नाम की कोई वस्तु मिली, न लाल न काली न पीली न नीली न वजनदार। ये मन ज्ञान है, ज्ञान का ही नाम मन है।
और वो स्वयं में निराकार और जिस वस्तु की कल्पना करने लगता है वही उसका आकार होता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम अपने मन को यदि साकार रूप में देखना चाहते हैं तो सपने को देख सकते हैं। स्वप्न में ही हमारे मन के वर्तमान स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार होता है। तो इसके संबंध में एक तो चाहिए निश्चय, ये सत्य है ये मिथ्या है, ये उचित है ये अनुचित है, ये है उपादेय है, ये कर्तव्य है ये कर्तव्य है। बुद्धि के द्वारा इसका निश्चय होना चाहिए अपने जीवन, और दूसरे अपनी क्रिया देखनी चाहिए कि हम करते क्या है। यदि आप अपनी बुद्धि में निश्चयात्मक हैं और क्रिया को मन के अधीन नहीं रखना चाहते हैं, मन इतना महत्वहीन हो जाता है कि वो न चक्कर में किसी को डाल सकता है न किसी को चक्कर में ले सकता है। मन एक औजार है, जैसे हम अपने हाथ से कहते हैं चल छाती पर बैठ, और जब तक नहीं हटाएं तब तक हाथ छाती पर रहेगा। इसी प्रकार मन हमारा आज्ञाकारी होना चाहिए और उसको जिस वस्तु में हम लगा दें वहां लग जाए। तो ये जो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो है, जब हम मन के साथ अपने को जोड़ देते हैं तो मन जहां जुड़ जाता है वहां हमको जुड़ना पड़ता है, और हम अपने को मन के साथ न जोड़ें तो मन भी कहीं नहीं जोड़ सकता है। इसलिए मन कोई डरावनी चीज नहीं है, मन बहुत प्यारी प्यारी चीज है। जैसा अपना आत्मा प्यारा है वैसे मन भी प्यारा है, और यदि इस मन से आप पूर्ण तत्व की कल्पना करेंगे तो मन भी पूर्ण तत्व है, और यदि इससे श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर की कल्पना करेंगे तो आपका मन ही श्याम सुंदर है, और यदि आप स्त्री की कल्पना में पुरुष की कल्पना में शत्रु मित्र की कल्पना में और गरीबी अमीरी की कल्पना में मन को डाल देंगे तो आपका मन बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाने लगेगा। देखो आप दोहित्र को देखकर नाना बन जाते हैं, आपका मन ही बनता है ना। पौत्र को देखकर दादा बन जाते हैं, बेटे को देखकर बाप बन जाते हैं, पत्नी को देखकर पति बन जाते हैं, कौन बनता है। तो ये मन स्वप्न में जैसे अपने रूप बदलता रहता है, कभी ये बना कभी वो बना कभी वो बना, और कहीं भी टिकता नहीं है। तो मन की सारी असलियत सपने में मालूम पड़ती है, और सच पूछो तो स्वप्न में यज्ञ करोगे तो उसका पुण्य नहीं होगा, और स्वप्न में गो घात करोगे तो उसका पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्वप्न में अपना कर्तृत्व नहीं होता है। मन संस्कार और वासनाओं के साथ खेलता रहता है, वो एक खिलवाड़ है उसकी। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मन में क्या आया क्या गया उसको महत्व मत दीजिए। आप अपने शरीर से क्या करते हैं इस पर ध्यान दीजिए, और आपकी बुद्धि क्या निश्चय किए हुए है इस पर भी दृष्टि रखिए। यदि आपका निश्चय उचित है
सच्चा है, सत्य संबंधी है, और यदि आप बुद्धि के अनुसार ही काम करते हैं, मन के उछल कूद में अपने शरीर को क्रिया को नहीं डाल देते हैं, तो मन की कीमत दो कौड़ी भी नहीं है, और न आपको नरक में ले जा सकता, न स्वर्ग में, न आपके हृदय में कोई शत्रु बना सकता, न मित्र बना सकता, न कहीं राग कर सकता, न द्वेष कर सकता। वो तो जब उसके अनुसार आप क्रिया करने लगते हैं और आपकी बुद्धि भी मन के चक्कर में फंस जाती है, जिसको मन ने माना दुश्मन और आपने निश्चय कर लिया ये दुश्मन है, और उसके साथ दुश्मनी का बर्ताव करने लगे, बस अपने जीवन को आपने नरक बना लिया और आपके मन ने मित्र की कल्पना की, मित्राकार हो गया, आपकी बुद्धि ने कहा सचमुच ये मित्र है, और उसके साथ वैसी क्रिया में तन्मय हो गए, बस अब आप मन के फंदे में फंस गए, जिससे राग होगा उसका पक्षपात करेंगे, उसके लिए अनुचित कर्म भी करेंगे, और जिसको आप शत्रु मान लेंगे उससे द्वेष होगा, आपके हृदय में जलन होगी, और आप उसके साथ शत्रुता की क्रिया करेंगे और दुख रूप नरक में यही पड़ जाएंगे। इसलिए सावधान रहने की बात ये कि निश्चय में हमारा कर्तृत्व काम करता है और क्रिया में भी हमारा कर्तृत्व काम करता है, परंतु मन के संकल्प विकल्पों में हमारा कर्तृत्व काम नहीं करता है, और जब कर्तृत्व काम नहीं करता है तो उसमें अपेक्षा बुद्धि नहीं होती है, और अपेक्षा बुद्धि नहीं होने से उससे किसी फल की उत्पत्ति भी नहीं होती है। बिना कर्तृत्व के और बिना अपेक्षा के मन कभी फल अपना नहीं दे सकता। मन के संबंध में आप उसकी चंचलता जहाँ है बच्चे की तरह उसको खेलने दीजिए, लेकिन क्रिया में अधिक रहिए, औचित्य को छोड़ करके आपकी क्रिया न होने पावे, और अपने निश्चय में अधिक रहिए। फिर मन तो कितनी बात सोचता है, कितना छोड़ता है, दिन भर में पचासों रंग बदलते हैं। उपनिषदों में लिखा है कि एक मन ऐसा होता है जैसे काली भेंट, एक मन ऐसा होता है जैसे लाल लाल वीर बहुटी बरसात में जो कीड़े निकलते हैं, एक मन ऐसा होता है जैसे सफेद भेड़, तो सफेद भेड़ सात्विक, काली भेड़ जो है वो तामस, और वीर बहुटी लाल लाल राजस, ये सब मन की रंगीनियां हैं और तमाशे हैं। महात्मा लोग बिल्कुल अलग होकर के इस मन के तमाशे को देखते हैं, मन ढूंढने पर कहीं मिला तो है नहीं, न बाह्य नापि हृदय सद्रूपम विद्यते मनः यदर्थ प्रतिभानं तन्मन इत्यादि दीयते। हमारा मन यहाँ से बंबई गया, क्यों? मन क्या हमारे हृदय में नहीं है? क्या हमारे शरीर में मन नहीं है जो बंबई चला गया? बंबई नहीं गया, मन में बंबई की कल्पना हुई, तो क्या बंबई वहां से उठ के हमारे मन में आ गया? नहीं, बंबई जहां का तहां है मन में। इसी प्रकार ये कल्पना जल्पनाएं उठती रहती है, इनकी परवाह न करके आप एक सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, सत्चिंतन के द्वारा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कीजिए और उसके अनुसार कर्म कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यदि आप निश्चय और कर्तव्य में पक्के रहेंगे तो मन का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और यदि आप अपने को इसके साथ जोड़ देंगे
स्वसंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। आप अपना निग्रह तो कर नहीं पाएंगे तो मन भी दुर्निग्रह हो जाएगा, और आप चंचल नहीं होंगे पर मन की चंचलता को अपनी चंचलता मान बैठेंगे। इसलिए आप अपने मन का जो तमाशा है, खेल है, उसको देखिए पर उसमें मगन मत हो जाइए, तन्मय मत हो जाइए। तो इसी से ये श्रुति में शिव संकल्प सूक्त है जिसकी चर्चा प्रश्न में की गई है। ये जागृतो दूर मुदिति दैव तद सुप्त तथा दूरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मो मन शिव संकल्प वस्तु। बस इसमें जो संकल्प है ये करना है, ये सत्य है, वो हमारा शिव को न छोड़े। तो मन ही शिव है, मन ही विष्णु है, मन ही राम है, मन ही कृष्ण है। एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था हरियाणा जी के बाहर से, तो मैंने मन की जो कल्पना शक्ति है उसके बारे में कुछ कहा। आओ हम अपने मन को राम के रूप में देखें, कृष्ण के रूप में देखें। एक सज्जन वहां बैठे हुए थे, प्रवचन में उठ के आए और वहां तो हमारे पास खजूर की चटाई बिछाने के लिए थी और ईद का तकिया। आके उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज हमारी समस्या हल हो गई। तो क्या समस्या आपकी थी? तो ये समस्या थी कि जब भगवान कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे तब उनका ध्यान होगा। आज हमारी वो बात मन से चली गई। हम तो जब चाहे जब भगवान का ध्यान कर सकते हैं। मन आपका ही नाम मन है, आप जो आकार धारण करें वो धारण कर सकते हैं, जिसको चाहें उसको अपने मन में देख सकते हैं। उसको छोटा बनाएंगे तो नाना नानी बन जाएंगे, और उसको बड़ा बनाएंगे तो साक्षात विराट परमात्मा से एक हो जाएंगे। इसलिए अपने मन की जो संकीर्णता है वो छोड़कर उदीर्ण कर देना चाहिए मन को। वो धरती की तरह फल फूल पौधों के रूप में खिल रहा है। हमारा मन एक आनंद समुद्र की तरह लहरा रहा है। हमारा मन सूर्य की तरह सबको प्रकाश दे रहा है। चंद्रमा की तरह हमारा मन ही सबको आह्लाद दे रहा है। हमारा मन ही सबकी सांस बन करके जीवन दान कर रहा है। हमारा मन ही आकाश है। हमारे मन के अवकाश में जैसे स्वप्न की सारी सृष्टि रहती है, वैसे ये जागृत की सारी सृष्टि रह रही है। हमारा मन ही राम कृष्ण होता है, हमारा मन ही शिव विष्णु होता है, हमारा मन ही निराकार साकार होता है, हमारा मन ही निर्गुण सगुण होता है। और चाहे जब हम जो चाहें उसी क्षण अपने मन को उस वस्तु के आकार में देख सकते हैं। इसलिए मन कोई डरने की वस्तु नहीं है। मन तो हमारा बड़ा 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 प्यारा प्यारा खिलौना है, और इसके साथ खेलिए मिलिए जुलिए रहिए। कभी मन की दो पार्टी बना के और क्या क्या खेल खेलते हैं आजकल, जो तो नाम भी नहीं मालूम है। और क्रिकेट खेल लीजिए, खेल लीजिए हॉकी खेल लीजिए, अपने मन में दो दल बना दीजिए। कबड्डी खेल लीजिए, उसमें कोई मर रहा है नारायण, कोई जिंदा खेल रहा है, ये सब मन ही मन है। इसलिए नारायण मन में कोई पक्का आकार नहीं होता है। जिस आकार के साथ, सुने हुए आकार के साथ या देखे हुए आकार के साथ या छुए हुए आकार के साथ या सुने हुए आकार के साथ या चखे हुए आकार के साथ, आप जिसके साथ जिसके रूप में अपने मन को बनाना चाहें तत्काल बना सकते हैं, क्योंकि वो कुछ अपना करके तो बैठा ही नहीं है। वो तो सबके साथ
किसी के भी साथ मिलने को तैयार है। नन्ना बच्चा लाले चित्त बालकम, इसको आप अच्छे काम में लगाइए जो आपकी बुद्धि बताती है, बस इतने से ही आपका मन बस में हो जाएगा। उसके लिए न आसन की जरूरत है और न तो योगा करने की जरूरत है, न दम घोटने की जरूरत है। ये तो इतना सरल, इतना सुगम है, इतना सुगम है कि जैसे आपके हाथ में हथेली में जैसे आंवला हो नारायण और पेड़ की ओर देख रहे हो, ऐसा हमारा जीवन हो रहा है। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को बांधना नहीं है, न तो मन को कैद में डालना है और न तो इसको फांसी पर लटकाना है। इसको अपने जादू का खिलौना समझ के खेलते रहिए, चाहे जैसे खेलिए, ये आपको बंधन में कभी नहीं डालेगा। ओम शांति। मन के संबंध में कभी प्रश्न आने नहीं पा, ऐसा लगा कि बहुत ही धर्म प्राण मन ने भी प्रश्न किया है। उनका कहना था कि जब ईसाई हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, तो हिंदू सबको हिंदू क्यों लगाए, जिससे हमारा धर्म अधिक व्यापक हो। तो मुझे एकांत में ध्यान आ गए, अब उत्तर तो हो गया भाई। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया। प्रत्येक प्रश्न में उसका उत्तर रहता है और उसी में से उसको निकालना पड़ता है। ये देखो, जैसे ईसा अब से 2000 बरस के लगभग पहले हुए, तो उनके पहले धर्म था कि नहीं? मोहम्मद साहब 1300-1400 वर्ष पहले, उनके पहले धर्म था कि नहीं? जो किसी आचार्य के द्वारा चलाया हुआ धर्म होता है, उस आचार्य के पहले होता है कि नहीं? तो धर्म एक ऐसी वस्तु है जो परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है। परमात्मा धारण करता है, धर्म भी धारण करता है, धारणा धर्म। अब यदि आपको ईसाई, यदि हिंदू को ईसाई बनाता है तो बुरा लगता है, और हिंदू ईसाई को हिंदू बनाता है तो अच्छा लगता है। ये जो ईसाई होना और हिंदू होना है, ये अपने मन में जैसी वासना, जैसे संस्कार बैठ गए हैं, उनके अनुसार अच्छा बुरा लगता है। एक लौकिक दृष्टि से हमको ऐसा लगता है कि यदि ये होड़ लग जाए कि हम ईसाइयों को हिंदू बना लें, तो हम कुछ बहुत थोड़े से ईसाइयों को हिंदू बना सकते हैं। हमारी शक्ति सीमित है, हमारी गति सीमित है, हमारे पास साधन सीमित है, और यदि ईसाई हिंदुओं को ईसाई बनावे तो उनके पास शक्ति भी बहुत है, साधन भी बहुत है। तो ये होड़ यदि न पैदा की जाए तो अपने लिए, हिंदुओं के लिए ही अच्छा रहेगा कि ये होड़ पैदा न की जाए कि हम ईसाइयों को हिंदू बनावे और हिंदुओं को हिंदू बनावे। असल में सत्य सब में है, परमात्मा सब में है। ये तो पुरोहिती की दृष्टि से और पादरी की दृष्टि से और मौलवी की दृष्टि से और दस्तूर की दृष्टि से ये पंथ जो हैं अलग अलग होते हैं। गंतव्य
सबका एक ही है, इसलिए हमें प्रयास को ये करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो सच्चा हिंदुत्व है, और सच्चा हिंदुत्व क्या है, तो सच्ची मानवता है, जिसमें किसी को नीचा दिखाने का भाव न हो, किसी से ईर्ष्या न हो, किसी से होड़ न हो। आप सच समझिए, इन पंथों की उम्र अब बस बहुत थोड़ी है। जिस ढंग से मनुष्य जाति धर्म निरपेक्ष होती जा रही है सारे विश्व में, उसमें ये पंथ जो है ये बहुत कम चले। एक बात ये भी है कि आप हिंदू को क्या समझते हैं, किस आचार्य ने हिंदू पंथ का निर्माण किया, आप बता सकते हैं? किस युग में, किस संत संबत में, किस जगह पर हिंदू धर्म का निर्माण किया गया? असल में हिंदू किसी चिन्ह का नाम नहीं। क्या छोटी जनेऊ के बिना जो है वो हिंदू नहीं है? हम लोग तुम्हें छोटी रखते हैं नहीं हिंदू, आप हमको हिंदू रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और स्त्रियां भी प्राय जनेऊ नहीं पहनती हैं। आदिवासी लोग जो हैं पहाड़ में जंगल में रहने वाले, वो न वेद जाने, न राम जाने, न कृष्ण जाने, वे तो अपनी परंपरा के अनुसार और जंगलों में, और वहाँ उन लोगों को हिंदू के रूप में रखने का प्रयास किया जाए। कुछ साधु गए थे, गए तो ईसाई वहाँ जाता है तो एक अस्पताल बनाता है, एक विद्यालय बनाता है, उनको औषधि देता है, वस्त्र देता है, उनको लगता है कि ये आकर हमको कुछ दे रहा है। और हमारे साधु जब जाते हैं तो साधु उनके हाथ का तो छुआ नहीं खाते हैं, उनके साथ मिलते नहीं हैं, उनको कुछ देते नहीं हैं, और केवल जवानी जमा खर्च से उपदेश करके चले आते हैं। हम ईसाई बनाने, ईसाई को हिंदू बनाने के विरुद्ध नहीं है, पर यदि आप में इसकी तैयारी हो, तत्परता हो, जैसे आप अपने व्यापार में अपना मन लगाते हैं या अपने परिवार में मन लगाते हैं, यदि वैसे आप हिंदू परिवार को बढ़ाना चाहते हो और आपकी शक्ति सामर्थ्य साधन है ठीक हो, तो आप इसके लिए खूब अच्छी तरह से प्रयास कीजिए। परंतु ये देखिए कि कहीं 4 ईसाइयों को आप हिंदू बना लें और उसके बदले में 4,000 हिंदुओं को ईसाई होना पड़े, तो इसमें तो आप ही घाटे में रहेंगे। इसलिए राग द्वेष न बना करके सरल हृदय से, सच्चे हृदय से, जो वैदिक हिंदुत्व है, जो अपौरुषीय ज्ञान के आधार पर, जिस ज्ञान का निर्माता न ईश्वर है और न जीव है, और जो अनादि है, जो अनंत है, जो घट घट में है, जो ज्ञान मच्छर में खटमल में भी है, वो जो निर्विशेष ज्ञान है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके आधार पर जिस जो धर्म का असली स्वरूप है, यदि उसमें सबको आप दीक्षित करना चाहते हैं, उसमें उसका ज्ञान आप सबको कराना चाहते हैं, तो आप फिर छोटी छोटी बातों में भटकिए मत, लटकिए मत, अटकिए मत। आप ना बेखटके, आप बेखटके उस सच्चे धर्म का नारायण प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। थोड़े से ईसाई नहीं, थोड़े से मुसलमान नहीं, थोड़े से पारसी नहीं, संपूर्ण विश्व, वेद की तो आज्ञा है किरणोद्धम विश्वम आर्य, संपूर्ण विश्व को आप आर्य बनाइए। आर्य बनाइए माने श्रेष्ठ कर्म वाला, श्रेष्ठ भाव वाला, श्रेष्ठ विचार वाला नारायण आप बनाइए। और ये जो राजनीतिक चक्कर है पारसी बंदी के, वोट लेने वाले, वोट लेने के लिए जो भलाई बुराई की कल्पना करी जाती है कि इसमें बहुत दोष है, इसको वोट नहीं देना,
और नारायण हमको वोट देना, इसके लिए जो ये कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयत्न है उनसे तो धर्म की रक्षा होगी नहीं और धर्म में राग द्वेष की वृद्धि होगी और बहुत करके ऐसा ही हो रहा है। आज का जो जातिवाद है, आज का जो संप्रदायवाद है, आज की जो गुटबंदी है, वो केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश में विदेश में सर्वत्र पड़ रही है, वो मानवता को मिटा रही है और नारायण अपने अपने गुट की भावना को बढ़ा रही है। इसका फल होगा संघर्ष, इसका फल होगा वैमनस्य, इसका फल होगा विनाश। इसलिए भेदभाव को बढ़ाने का प्रयास न करके भेदभाव को मिटाने का ही प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।